उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस में लड़की के परिवार वालों के साथ आकर एक शिकायत की। हिंदू जागरण मंच महानगर अध्यक्ष दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बताया, हिंदू समाज की थाना कैंट क्षेत्र की रहने वाली लड़की को पहला फुसला ले जाने वाले आरोपी सलीम पुत्र नामालूम निवासी बांधरपुर अलहतापुर थाना कैंट निवासी हैं। सलीम के साथी नबी हसन हसनैन के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें 19 अप्रैल को लड़की की बरामदगी बहुत ही नाटकीय ढंग से दिखाई गई। परंतु बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि मुख्य आरोपी सातिर है। उसने लड़की को मौलवी के माया जाल में फंसाने का प्रयास किया। मुख्य आरोपी को व उसके अन्य साथी को गिरफ्तार कराए जाने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। दुर्गेश कुमार गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, बरेली। दुर्गेश जी, क्या मामला है आज जो आए? मामला एक ही है, थाना कैंट की एक हमारे समाज की लड़की है, उसको एक दूसरे समाज का व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया 2 तारीख को। मामला थाना कोतवाली में पंजीकृत हो गया। पंजीकृत होने के बाद में नामजद पंजीकृत करा गया और कल थाना कोतवाली की पुलिस ने बड़े ही नाटकीय ढंग से लड़की तो बरामद कर ली, लेकिन बहुत विडम्बना की स्थिति यह है कि आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जबकि पुलिस इस मामले को ढाकने के चक्कर में ये लगी हुई है कि पीड़ित पक्ष का वो क्या नाम लड़की का 164 बयान तो कराना चाह रही है, जबकि हमारी मांग ये है कि 164 में बयान बाद में हो, पहले आरोपी की गिरफ्तारी हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।